हे दोस्तों नमस्कार। हमारे अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले 22 तारीख को MPIDC यानी कि MP ऑनलाइन के थ्रू जो एक वैकेंसी आई थी तो उसकी आंसर की आ चुकी है और आपने आपत्ति भी दायर कर दी होगी। तो दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि आखिरकार कितने क्या कट ऑफ जा सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपकी मदद के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताऊँगा आपको ऑफिशियल कट ऑफ कितने रहे थे 2018 में जो MPIDC के थ्रू जो वैकेंसी निकली थी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों जो पहले के कट ऑफ गए थे, देखिए दोस्तों ये है, ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट के नाम है, ठीक है, ये मनोज बिशत जी थे और इनकी जो मार्क्स थे दोस्तों आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हाइएस्ट मार्क्स इतना था, आप सोच सकते हैं 225, जो ये सिलेक्टेड थे ओपन सीट से। तो 400 में से 225 मार्क्स, ये दोस्तों आप सोच सकते हैं तो कितने का कट ऑफ रहा, यानी कि दोस्तों 60% भी कट ऑफ नहीं है। तो यदि आप अच्छे से मेहनत किए होंगे तो 55% के आसपास जो मार्क्स हैं दोस्तों यदि आप लाते हो तो काफ़ी मतलब 60% काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखिए 225 मार्क्स मतलब हाईएस्ट रहा था इसमें MPIDC में। और दोस्तों यदि हम और कैटेगरी में देखें तो देखिए जो OBC, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों बहुत कम कम थी, OBC में 225 है। और इसी प्रकार से दोस्तों और आगे हम देखते हैं SC ST का कितना रहा है। तो SC में दोस्तों यदि आप हैं तो देखिए ये SC की अनरिजर्व सीट थी तो 208 पे हुआ है। और ST की यदि हम बात करें, ये SC का ही चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और SC का जो न्यूनतम सिलेक्शन हुआ है नंबर पर, 163 नंबर पर SC का सिलेक्शन हुआ था इसमें, ठीक है। और यदि ST की बात करें तो ST में दोस्तों ST का जो सिलेक्शन हुआ था तो ये हुआ था दोस्तों, ये ओपन सीट थी तो ये 130 मार्क्स पे हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि MPIDC में कितने क्या कम कट ऑफ रहते हैं। और यदि हम बात करें इसमें, देखिए ये और आ गया है, ये आप देख सकते हैं 208, 183, 163 और ये देख सकते हैं आप। दोस्तों इस प्रकार से जो MPIDC में जो कट ऑफ हैं वो ज़्यादा हाई नहीं रहते हैं। और तो आप अच्छे, यदि आपके मार्क्स इसके आसपास आ रहे हो तो प्लीज़ आपके लिए अच्छा है और आप निराश ना हो। तो ठीक है दोस्तों, और भी वीडियो में लाता रहूँगा MP ऑनलाइन के थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो, चाहे वो और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। बस आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।